Assalamualaikum dear learners today we will learn about altruism objective of this lecture is to define and discuss the nature of altruism after taking this lecture learners will be able to define and understand the concept of altruism and its connection with life अल्ट्रिज्मोशियल बिहेवियर एंड ऑफ एनी रिवॉर्ड अब अल्ट्रिज्म है वो एक तरीके से हेल्पिंग ही होती है और उस मदद फरहम करने का मकसद ये होता है कि दूसरे के काम आया जाए एक दूसरे इंसान की मदद की जाए बगैर किसी तो के बगैर किसी फायदे के और इसमें इंसान जो है वो दूसरे मदद फराम करते वक्त किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता तो नहीं रखता कि बदले में उसे क्या मिलेगा

सोसाइटी को भी फायदा होगा और लोग लोग एक दूसरे की वेलफेयर के लिए काम करते रहेंगे हेल्पिंग इज प्रो सोशल बिहेवियर द ऑफ ऑफ प्रोवाइडिंग सम टू और पर्सन अब जो हेल्पिंग है ये भी एक प्रो सोशल बिहेवियर है और इसका जो रिजल्ट जो सामने आता है वो यही होता है कि एक इंसान जो है एक दूसरे शख्स को फायदा पहुंचा रहा होता है और उसी मदद की वजह से उसी फायदे की वजह से एक इंसान की जिंदगी में बेहतरी आ रही होती है उसके हालात में बेहतरी आती है जैसे किसी की सेहत के हवाले से भी बेहतरी आ सकती है किसी की माशी हालत भी बेहतर हो सकती है किसी की फैमिली लाइफ भी बेहतर हो सकती है तो ये हेल्पिंग भी जो है वो डिफरेंट तरीके से की जाती है मोटिवेशन टू हेल्प देर आर थ्री नेचर अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि एक इंसान जो है वो क्यों दूसरों की मदद करने के लिए मोटिवेटेड होता है तो हम यहाँ पर तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम इन चीजों को देखेंगे इस हेल्पिंग बिहेवियर को प्रो सोशल बिहेवियर को अल्ट्रिज्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इसमें एक है इगोइजम नंबर टू है ऑल्ट्रिज और नंबर थ्री इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हेल्पिंग बिहेवियर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इज कॉल्ड अब इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक एक शख्स जो है जब वो दूसरे की मदद करता है तो वो अपने आप को सुकून देने के लिए अपनी अपने के लिए ये सब कर रहा होता है अपने हवाले से ही सोच रहा होता है कि उसे खुद इस हवाले से क्या फायदा होगा दूसरों की मदद करके उसे क्या हासिल होता है एवरी हेल्पिंग एक्ट इम्पोजेज सम कॉस्ट ऑन द हेल्पर अब ये जब आप किसी की मदद करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हेल्पर को करना होता है कुछ ना कुछ कीमत तो हेल्पर को चुकानी होती है इन जनरल द ग्रेटर लाइकली पर्सन आर टू हेल्प अब उमूमन ये होता है कि अगर बंदे को पता हो कि ये हेल्पिंग या मदद करने से मुझे ज्यादा जो है वो चीजों को आ, सहना पड़ेगा या मुझे इसकी कॉस्ट जो है वो इस पर ज्यादा है हर वाले से कॉस्ट आपकी साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी होती है फाइनेंशियल भी होती है और भी मुख्तु किस्म की ऐसी चीजें होती हैं जब आप हेल्पिंग कर रहे होते हैं तो आपको वो ए, उसका अगर कोई नुकसान हो रहा है या उसमें कमी हो रही है वो आपको बर्दाश्त करना होता है बाजूक आप किसी की मदद करते हुए बहुत ज्यादा आपको अपनी एनर्जी जो है वो उसमें लगानी पड़ती है टाइम लगाना पड़ता है तो इसलिए अगर जितना ज्यादा उसमें ये चीजें होंगी कि एक पर्सन जो है उसको ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी या उसको कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा तो उतनी ही उसकी मोटिवेशन जो है वो कम हो जाती है कि वो दूसरों की हेल्प करे द रिवॉर्ड मोटिवेट पोटेंशियल हेल्पर्स में इंक्लूड अब जो हेल्पर होता है उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड चाहिए होता है इगोइजम के मुताबिक कि अगर वो जब किसी की हेल्प कर रहा होता है तो अगर उसे कुछ बदले में कुछ मिलता है तो वो फिर ज्यादा मोटिवेटेड होगा हेल्प करने के लिए तो अब यहाँ पर तीन किस्म के जो है वो रिवॉर्ड की बात हुई है जिसमें है ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द के अब एक हेल्पर है जो है अगर वो किसी की बर वक्त मदद करता है तो वो ये चाहेगा कि जो विक्टम है जिसकी उसने मदद की है वो शुक्र अदा करे उसका जिसने मदद की है तो आप देखें कि जो लोग शुक्रिया कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया आपने मेरी मदद की या किसी के सामने आपकी तारीफ कर देते हैं आपको आपकी एटलीस्ट आपको और कुछ नहीं तो आपको शुक्रिया ही अदा करते हैं तो उससे जो है मदद करने वाले जो है वो और खुश होता है और मोटिवेटेड होता है लेकिन अगर मदद एक शख्स कर रहा है और उसको मदद लेने वाला उसको कभी उसने शुक्र भी नहीं कहा जबान से कुछ भी नहीं कहा बल्कि वो कहता है तो कौन सा ऐसान किया मुझ पर आ, एक दे दी है उसका फर्ज था तो उससे फिर क्या होता है कि जो मदद करने वाला होता है वो डिमोटिवेटेड हो जाता है उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है कि वो किसी की मदद करे फिर इसमें है एडमायरेशन एंड रिकोगशन और हर बंदा चाहता है की जब वो आ, आ, लोग ये भी चाहते हैं जो दूसरों की मदद कर रहे होते हैं तो बाजू का ऐसा भी होता है की वो ये चाहते है की लोग उसकी चीज को एडमायर करें या उसको एटलीस्ट नॉलेज तो करें ना कि भाई इसने ये मदद की है तो जब जितना हेल्पर को इस हवाले से कहते हैं कि हाँ ये देखें इसने कितनी मदद की है या जिसकी मदद की होती है वो दूसरे लोगों में कह रहा होता है खासतौर पर उस वक्त जब हेल्पर वहां मौजूद ना हो कहा जाता है कि देखें इन्होंने मेरी इस तरह मुश्किल वक्त में मदद की और वो बात जब हेल्पर तक पहुंचती है तो वो उसके लिए बड़ी खुशी का बायस होता है कि हाँ जो मैं मैंने मदद किया कम अज कम मुझे रिकोगनाइज किया गया है मेरे इस अमल को पसंद किया गया है फिर अप्रूवल फ्रॉम अदर्स अब इसमें दूसरों का अप्रूवल भी जो होता है बाजात हम किस कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें एक शोटी चाहिए होती है कि ये काम जो है वो हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो इससे भी मोटिवेशन जो है वो एनहेंस होती है कि उसके इसको जो है वो सोसाइटी भी कह रही कि हाँ भाई बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा काम है करना चाहिए ऐसा और भी बहुत लोगों को करना चाहिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया जैसे बाजत किसी के बारे में कहते हैं ना इन्होंने देखो एक मिसाल कायम की है तो इस तरह की भी सोसाइटी जो है एक्सेप्ट करती है इर्द गर्द के लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें मोटिवेशन बढ़ती है लेकिन अगर एक पर्सन कहा जाए क्या जरूरत है मदद करने की ये फजूल चीज़ है ये इतनी अच्छी नहीं है बस दिखावे के लिए तो फिर उससे एक पर्सन जो है वो उसके डिमोटिवेट होने के चांसेस हो जाते हैं फिर इसके बाद फाइनेंशियल रिवॉर्ड बाज़ुकात अदले का बदला भी होता है जैसी मदद की होती है बदले में पैसा मिलता है की जैसे एक पर्सन है वो ये सोचता है की कि मैं किसी की पैसों से मदद करूंगा तो मेरे पैसों में इजाफा होगा या उसको कोई और उस हवाले से फाइनेंशियल बेनिफिट हो या वो ये सोचता है कि आज मैंने मदद की है, तो मेरी भी मदद की जाए तो इस तरह भी रिवॉर्ड जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है और ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी अगर उसको मिल जाता है तो उससे भी उसकी मोटिवेशन जो है वो एनहेंस होती है और वो लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है और अगर ये चीजें ना हो ना उसका किसी ने शुक्र अदा किया ना उसके उसके काम को किसी ने रिकोगनाइज किया है और उसे बातें भी सुनने को मिलती है और किसी किस्म का कभी उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी नहीं मिला तो फिर पर्सन जब वक्त के साथ डिमोटिवेट होता है वक्त के साथ वो लोगों के मसाइल में इंटरेस्ट लेना भी छोड़ देता है और उसकी हेल्प नहीं करता नंबर टू अल्ट्रम्पैथीटिकल एक तजुर्बा इस तजुर्बे से गुजरता है कि जब उसके जज्बात जो है वो उस बंदे के जज्बात के साथ मैच करने लग जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं जो तकलीफ से गुजर रहा है की इंसान जो है बहुत गहराई तक जो है वो दूसरे के मसले को समझने कोशिश करता है उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करता है उसको अपनी जगह जो है वो देखता रख के देखता है वो सम, वो ये सोचता है कि वो अगर उसकी जगह पर हो तो उस पर क्या गुजरती है तो वो बाकायदा फील करता है बड़े डीप एक फीलिंग्स होती हैं वो गहराई में उतर कर जो है वो सामने वाले के जज्बात को तकलीफ को उसके अहसास को समझने की कोशिश करता है देर इज अ अंडरेबल एविडेंस डेट फीलिंग्स ऑफ एम्पैथी फॉर अ पर्सन इन नीड विल लीड टू हेल्पिंग बिहेवियर और ये लिटरेचर से भी इस बात साबित है कि इंसान के अंदर जितनी ज्यादा एम्पैथी होगी मतलब जितना वो दूसरे के जज्बात को समझेगा उसकी फीलिंग्स को उसकी बिलीफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा उतने ही उसके अंदर मोटिवेशन बढ़ती चली जाएगी वो दूसरों के काम आ सके तो एम्पैथी का और हेल्पिंग बिहेवियर का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है जितनी ज्यादा एम्पैथी एक इंसान के अंदर होती है जितने ज्यादा वो दूसरों के साथ हमदर्दी का जज्बा रखता है उसमें जितनी गहराई होती है वो उतना ही मदद करने के लिए रेडी होता है

के अंदर इम्पैथी डेवलप होती है तो जब एक पर्सन दूसरे को तकलीफ में देखता है उसको गहराई से समझने की कोशिश करता है तो एक तो उसके अंदर एम्पैथी जो है वो पैथेटिक फीलिंग्स जो है वो बढ़ती चली जाती है और उससे वो तकलीफ भी महसूस करता है उसके अंदर बेचैनी की कैफियत डेवलप होती है डिस्ट्रेस इन्वॉल्वेंट इमोशन सच है तो नाखुशवार जज्बात होते हैं है। जैसे उसको बाजूक हो गया उसके साथ बड़ा अल्मिंग से एक फीलिंग होती है परेशानी उसके अंदर होती है या वो बड़ा अपसेट या बेचैन महसूस करता है जब कभी वो दूसरे को तकलीफ में देखता है एमपैथी इंटेल सच इमोशन एस कम्पेशन कंसर्न वॉम्थ एंड टेंडर टू

उसके अंदर उभरते हैं डेवलप होते हैं तो वो उससे उसकी मोटिवेशन जो है वो बढ़ती है बहरहाल ये दोनों जो है वो चीजें डिस्ट्रेस भी भी और भी ये पर्सन को दूसरे की मदद करने के लिए तैयार करते हैं जहनी तौर पर एक बंदा जो है वो एक तैयार हो जाता है कि उसने दूसरे की हेल्प करनी है क्योंकि उसके अंदर एम्पैथी भी है उसके अंदर ऐसे जज्बात भी हैं कि दूसरों से हमदर्दी रखता है दूसरे की तकलीफ को समझता है और उस तकलीफ को दूर जब तक वो नहीं कर लेता तब तक उसके अंदर एक बेचैनी सी रहती है तो पैथी और अल्ट्रिज्म जो है वो मॉडल और हाइपोथेसिस आपको ये समझाता है कि किस तरह के इंसान जो है वो उसके अंदर अंदरपैथी जो है वो अल्ट्रिज्म की तरफ उसको लेकर जाती है अब इस मॉडल को या इस हाइपोथिस को अगर आप देखें एम्पैथी तो इसमें होता है कि परसेप्शन समवन नीड हेल्प अब यहाँ पर आप देखें कि एक पर्सन जो है उसके अंदर ये परसेप्शन होता है कि एक बंदे को जो है वो मदद की जरूरत है तो सबसे पहले तो ये परसेप्शन डेवलप होना जरूरी है कि हाँ मदद करनी है किसी की मदद करने की जरूरत है अब वहां पर अगर एक पर्सन जो है वो ये परस्पेक्टिव अडोप्ट करता है कि मैंने मदद करनी है तो उससे उसके जो इमोशनल रिस्पॉन्स होंगे वो पैथिक होंगे मतलब उसके अंदर पैथिक फीलिंग इंक्रीज करेगी अगर वो दूसरे की मदद करने को अहम समझता है तो उसके अंदर फिर वैसे ही जज्बात डेवलप होंगे उसके अंदर कम्पैशन डेवलप होगा उसके अंदर दूसरों के लिए वार्म फीलिंग्स होंगी दूसरों के हवाले से वो कंसर्न होगा और फिर जितनी ज्यादा ये इमोशनल रिस्पॉन्स ऐसे होंगे पैथेटिक कंसर्न उसके अंदर होंगे तो उसके अंदर जो मोटिवेशन होगी वो ऑल्ट्रिस्टिक होगी और ऑल्ट्रिस्टिक के पीछे जो है सेटिस्फेक्शन जो है वो उसका बेसिक मोटिव हो होगा कि यानी एक इंसान जो है जब उसके होता है वो ऑल्ट्रिस्टिक उस होता है तो फिर उसकी कोशिश ये होती है कि वो दूसरे की तकलीफ को डिस्ट्रेस को दूर करे उसका बेसिक मकसद ही यही होता है और जब उसकी वो डिस्ट्रेस दूर हो जाती है और सामने वाली तकलीफ दूर हो जाती है तो उससे उसको सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मैंने किसी की मदद की है और मैंने एक शख्स की तकलीफ दूर की है एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं दूसरी तरफ अगर उसके अंदर एक परसेप्शन है मदद का लेकिन वो दूसरे की मदद का दूसरे के जो है वो एंगल से चीजों को नहीं अंडरस्टैंड करता है कि दूसरे की मदद करनी है जैसे एक होता है कि आप किसी के जज्बात को अपने एक एंगल से एक चीज देख रहे होते हैं लेकिन आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देख रहे होते हैं तो अगर इस तरह की चीज नहीं उसके अंदर होगी वो इस दूसरे के पर्सन के पर्सपेक्टिव को एडॉप्ट नहीं पर्सन करेगा रेडी नहीं होगा तो उसके जो इमोशनल रिस्पॉन्स होंगे पर्सनल डिस्ट्रेस टाइप के होंगे मतलब उसको होगी बेचैनी लेकिन वो बेचैनी भी जाति नोयत की उसके अंदर होगी वो जो उसके अंदर डिस्कम्फर्ट की कैफियत है वो जाती नोयत की होगी अभी जो जाती नोयत की एक डिस्ट्रेस होती है ये इगोइस्टिक बनाती है बंदे को एक पर्सन किसी की हेल्प करने के रेडी होता है कर देता है लेकिन उसके ए, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो यहाँ पर जो उसकी जो सेटिस्फेक्शन का एक मोटिव जो होगा वो क्या होगा रिडक्शन ऑफ वॉन्स ऑन डिस्ट्रेस कि वो अगर मदद कर भी रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि जो उसको बेचैनी हो रही है ना तो वो खत्म हो जाए किसी तरीके से उसके अपने प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए तो यहाँ पर वो दूसरे को कर रहा तो दूसरे की तकलीफ को दूर कर रहा है तो वो बेसिकली अपने लिए ही कर रहा है उसका बेसिक जो होता है अपने लिए कुछ ना कुछ वो कर रहा होता है अपने डिस्ट्रेस को कम कर रहा होता है कि चलो कर दो या और डिफरेंट जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशन होंगी कि कुछ और उसको हासिल हो तो ये दो तरह के जो है वो आपको लोगों के एटीट्यूड में डिफरेंस नजर आएगा कि कुछ जो है वो किसी की मदद करते हैं और वो कम्प्लीटली ऑल्ट्रिस्टिक होते हैं और कुछ किसी की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि एग्रस्टिक होते हैं तो दोनों के जो है वो पसे पर्दा जो उसकी वजह होती है वो डिफरेंट हो सकती है कि कुछ लोग बगैर एक्सपेक्टेशन के करते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं